हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 6 रुपए 20 पैसे की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक 3% से भी ऊपर की गिरावट दिखाता हुआ नजर आया। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में 3.5% की गिरावट देखने को मिली है, 1 महीने में 12%, 3 महीने में 17.5%, 6 महीने में 30% और 1 साल में 21% के करीबन की गिरावट देखने को मिली है। लॉन्ग टर्म से ही देखें तो इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अभी भी इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा, जहां पर स्टॉक का एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया 283 रुपीज। 283 रुपीज का इस स्टॉक में एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आ रहेगा, जहां पर स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब इस स्टॉक का देखें तो नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक का अराउंड 178 रुपीज, 178 रुपीज के इस स्टॉक ने एक लो लगाएगा। अब इस स्टॉक का नीचे का यहीं से स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिला है और स्टॉक में एक रिकवरी देखने को मिली है। तो अगर आप इस स्टॉक में एक पोजीशन बनाना चाहते हैं वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहां पर 178 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 250 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। इस स्टॉक में 215 रुपीज के बाद ही स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जहां पर स्टॉक में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। इसलिए कि स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए और लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाए, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।